What's up, Trust Fam? Hello and welcome to today's episode of Pick Scratch by Sex. Yes, that's right. And today we'll be listening to Rehmani Keeda by MC Stan. All right, ek bar credits check kar lete iska kya scene hai. The track is Rehmani Keeda. What does Rehman mean? I gotta check it out. Artist is MC Stan, produced by MC Stan, mix and master by MC Stan. Okay. ये सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. अब रहमान मीनिंग पहले ये देखते, एक तो गूगल, आई डोंट नो हाउ मच आई कैन ट्रस्ट इट. रहमान इट मीन्स, इज इट, अरे प्ले हो गया भाई, प्ले हो गया, रुको भाई, रुको. सो रहमान मीन्स ग्रेशियस और मर्सीफुल. सो दयालु ग्रेशियस. रहमानी इज बेसिकली डिसेंडेंट ऑफ द ग्रेशियस वन. सो कीड़ा, व्हाट डस कीड़ा हैव टू डू विद दैट. गाना सुनते देखते पुणे का स्लैंग अगर इसमें ज़्यादा रहे तो आई डोंट नो हाउ मच आई कैन गेट इन टू द ट्रैक, बट जितना समझ आता है जो आता है विल लेट्स लिसन टू इट एंड फिगर आउट. सो विदाउट फर्दर डू वी आर गोना जंप स्ट्रेट इनटू इट. दिस इज बिग स्क्रैच बाय सेक्स एंड वी आर लिसनिंग टू एम सी स्टैन, रहमानी कीड़ा, ट्रेंडिंग ऑन 14 फॉर म्यूजिक. लेट्स गेट इट. आई लाइक द सैम्पल. Believe Music, copyright. Hindi Records. All right, it is coming out from Hindi Records. I really hope that MC Stan ka jo bhi legal issues, jo bhi label leke chal rahe the, all of that is solved right now. And haath mein kya hai ye? Bandana hai most probably. And he has got Compton tatted on his chest, gold chain. Upar pankhe se joota jhool raha hai. Okay. Hindi. Let's see. मेरे ईयरफोन्स के साथ कोई, हेडफोन्स के साथ कोई दिक्कत है क्या? बिकॉज आई कैनॉट एक्चुअली हियर व्हाट इज, मतलब आई डोंट नो, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो वोकल्स है बहुत सारे लेयर्स है वोकल्स के, बट कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है. इट्स लाइक अ कोरस टाइप ऑफ थिंग, बट मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि बोला क्या जा रहा है. वोकल्स के वॉल्यूम बहुत कम है सीधे शब्दों में. माँ तेरी काम पे जा रही और तू टाइम पास कर रहा है हुड पे, तो तेरे को शर्म आनी चाहिए इस चीज पे. एंड जिनको लिखना नहीं आता वो आजकल रैप कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ आई अंडरस्टैंड. बट ये यार मेरे को बहुत ज़्यादा, एक तो पुणे का ये स्लैंग है और दूसरा इतना ज़्यादा मेरे को लिरिक्स में घुस के, व्हेन इट्स, मतलब जब बीट थोड़ा पीछे गया ही वाज कमिंग अप, जब लिरिक्स आ रहे थे वहाँ थोड़ा मेरे को समझ आ रहा था. बट वंस अगेन इट इज डकिंग डाउन बिहाइंड द म्यूजिक अ लिटिल. आई डोंट नो इफ दैट इज इंटेंशनल, बट आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट इट राइट नाउ. सूटकेस कोई किसी को याद नहीं करता अपने. व्हेनेवर समवन इज हैप्पी दे डू नॉट थिंक अबाउट एनीबॉडी एल्स. बट और मैंने अपने आधे से ज्यादा गाने दुख में लिखे. सो या आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट, बिगिनिंग फ्रॉम अस्तगफिरुल्लाह टू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स मैन, अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, मोस्ट ऑफ देम आर अबाउट हिज स्ट्रगल्स. सो सही है, ये समझ आ रहा है मेरे को अबाउट द होल थिंग. बट आई एम रहमानी कीड़ा, आई गॉट टू फिगर इट आउट क्या क्यों ये नाम है. I think there's a lot of phaser and I guess a stereo effect on the vocal, jis cheez ke liye ekdam on the face effect nahi aa raha vocal ka, matlab it is not, I can not exactly perceive ki kya bola ja raha hai. It's a very surround sound type of experience. I
आई लाइक द पर्कशन ऑन द बीट, बहुत जेनेरिक एकदम भी नहीं है, बहुत अलग साउंड है विथ यू नो टॉम्स एंड एवरीथिंग, और बहुत अलग साउंड है ब्रो, जो पर्कशन से बहुत डिफरेंट है, एंड द इंस्ट्रूमेंटल एंड द होल थिंग इज लाइक अ वेरी न्यू स्कूल टाइप ऑफ साउंड जो आजकल वेस्ट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस टाइप का साउंड. He just said S-E-X and he was like, क्या इसको सुनकर शर्म क्यों आ रही है? I'm not exactly getting the point of it. Most of it must be because I do not understand the language pretty well. रहमानी की सुनने का लूप पे. एक टाइम को खाना नहीं था पेट में, अभी घूम रहा मैं 1 लाख लेके जेब में, बोल तेरी पब्लिक को. आई डू नॉट नो इफ दैट इज अ शॉट टू समबडी स्पेसिफिक, बट दारू पी के भाई बनते और होश में आ गए, गेट द एसेंस, बट एग्जैक्टली क्या बोला? होश में आके पलट जाते होठ पे, आई गेस दैट इज व्हाट ही, मतलब एसेंस तो वही होगा ऑब्वियसली कि दारू पी के भाई भाई बोल बोलते हैं, बट जब नशा उतर जाता है तब जाके ये पलट जाते, सांप बन जाते. सो बट आई वाज क्यूरियस टू नो एग्जैक्टली क्या वर्ड बोला जा रहा है यहाँ पे. ये तबला था क्या? I love MC Stan on auto tune, first of all. दूसरा रिवर्स में कुछ चल रहा था, मोस्ट प्रोबेबली इट्स द आई गेस इट्स द हुक और समथिंग जो रिवर्स में चल रहा था, यहाँ पे रिवर्स में डाल रखा था, सो दैट साउंडेड काइंड ऑफ, जब भी इंग्लिश को या हिंदी को जब रिवर्स में डालते हैं इट साउंड्स लाइक अ लैटिन चैंट और समथिंग विच इज़ वेरी क्रीपी, बट हाँ, सो आई एंजॉयड द इंस्ट्रूमेंटल. गाने का मोर और लेस मेरे को समझ आया, बट द मैसेज वाज नॉट एग्जैक्टली वन सर्टेन थिंग दैट ही वॉन्टेड टू से. और रहमानी की कीड़ा का मतलब क्या है? बिकॉज आई गेस ही इज टॉकिंग हिमसेल्फ, रहमानी कीड़ा या उसके दिमाग में रहमानी कीड़ा है, सो ही इज़ लाइक वेरी मर्सीफुल वेन एवर देर आर पीपल आउट देर जो फेक है एंड स्टाफ और द स्नेक फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, सो ही इज़ लाइक उनको उन पर तरस खा के उनको माफ़ कर देता है, शायद उसलिए बोल रहा है. बट जस्ट बिकॉज द वोकल्स वर डकिंग डाउन बिहाइंड द इंस्ट्रूमेंटल अ लॉट, मेरे को उतना समझ नहीं आया एग्जैक्टली क्या चल रहा था, मतलब एग्जैक्ट क्या था. जस्ट लाइक इस सैड यार, थोड़ा ज़्यादा कोरस फेजर और वो स्टीरियो इफेक्ट थोड़ा लग रहा था मेरे को कि वोकल के ऊपर है, तो थोड़ा ज़्यादा ऑन द फेस नहीं थे यार वोकल्स. सो आई थिंक इट्स लाइक इट्स अ नाइस ट्रैक टू वाइब टू, बट जो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा अगर लेवल ऊपर हो तो वोकल का, बट
यू नो देर आर नो रूल्स टू म्यूजिक, तो एक्जैक्टली कुछ बोला नहीं जा सकता, बट वो ऊपर उन्होंने से थोड़ा ढंग से समझ आता कि क्या चल रहा है। दो तीन बार अगर सुनेंगे, जैसे मेरे को शुरू में हुक नहीं समझ आ रहा था, लेटर ऑन मेरा इवेंट सो मेरे को हुक समझ आया, तो दो तीन बार सुनेंगे हुक समझ आएगा। एंड लाइक द होल मोटिव इज अगर तुम्हें गाने का मतलब समझ आए तो वॉल्यूम कम हो ज़्यादा हो यू कैन एक्चुअली वाइब टू इट। और इंस्ट्रूमेंटल बहुत टाइट है, बहुत सही प्रोडक्शन है, लाइक द होल सैम्पल एंड एवरीथिंग, इट गेव मी अ रस काइंड ऑफ फीलिंग विद द वोकल चॉप। बट जो ड्रम्स थे वो बहुत अलग अलग टाइप के ड्रम्स थे विद द यू नो तबला था या टॉम था, मेरे को ढंग से समझ नहीं आ रहा। आई गेस दे वर बोथ इन द इंस्ट्रूमेंटल। इट इज एन अमेजिंग ट्रैक, बहुत ज्यादा एमसी स्टैंड टाइप है ये, सो दैट्स प्रीटी अमेजिंग मैन। मैंने देखे एमसी स्टैंड टाइप बीच बहुत आते हैं बट कोई भी मेरे को एमसी स्टैंड टाइप फील दे नहीं पाता, सो दैट शोज हाउ यूनिक ही इज विद हिज साउंड। एंड या यू गाइस टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉन्ग एंड एवरीथिंग। क्या तुम्हें भी ये लगा या मेरे हेडफोन्स में कोई दिक्कत है कि ये वोकल्स इतने अजीब से हो रखे हैं, सुनाई नहीं दे रहा ढंग से। बट या एंजॉय द ट्रैक। जो वोकल था, वो जो बीट था बहुत इंटरेस्टिंग था, इट्स अ वेरी न्यू स्कूल टाइप ऑफ साउंड, जो एकदम जो ड्रम का पैटर्न है वेरी न्यू स्कूल टाइप ऑफ साउंड, सो टाइगा टाइप, टाइगा के गाने में ऐसे टाइप के ड्रम्स होते हैं। सो या आई एंजॉयड इट बट आई एम स्टिल क्यूरियस टू नो कि एक्जैक्टली गाने में क्या चल रहा है, क्या बोला जा रहा है। यू गाइस टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट द सॉन्ग एंड इफ यू लाइक इट यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, लीव अ लाइक बिलो राइट नाउ एंड इफ यू डिडंट लाइक इट ऑफ कोर्स लीव अ डिसलाइक, बट इफ यू एंजॉयिंग द कंटेंट सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे रेड वाला बटन दबा दो, बेल आइकन दबा दो, मेक श्योर टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड इंस्टॉल करो डिस्कॉर्ड को, और नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको दबाओ और डिस्कॉर्ड पे सीधे मेरे ग्रुप में आ जाओ, वहाँ बात करेंगे एक साथ। ये सब गाने हम लूप पे सुनते हैं यार, एक साथ वॉइस कॉल पे आके सारे एकदम वीडियो ऑन करके एक साथ जैम करते हैं, बातें करते हैं गानों के बारे में। मेक श्योर टू जॉइन अस ओवर देयर, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम यू आर मिसिंग आउट ऑन न्यूज एंड अपडेट्स, मेक श्योर टू फॉलो मी इंस्टाग्राम ट्विटर एंड एवरीथिंग। पता है यार क्या करना है, स्पॉटीफाई पे अगर मेरे गाने नहीं सुने, यूट्यूब पे नहीं सुने, मेक श्योर टू चेक आउट माय म्यूजिक, आई मेक म्यूजिक टू इफ यू डू नॉट नो ऑलरेडी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइज मैन, दिस इज बिग स्क्रैच एंड आई एम आउट। पेट बेल काश 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 इनमें अकल होती जरा से, दिलों में खोट मेला है पानी, विचारों का अक्स ना देखे जरा भी, नोटों में ढूंढते फिरे आजादी, शैतान दिमाग पे हावी, सभी के आंखों में लगे हैं ताले, अंधेरों में खोजते फिरे ये चाबी, अगर क्वेश्चन चाबी तो एक नहीं चाबी अनेक है, वर्ड द फील ऑफ द फैमिली, खेलना प्रॉस्पर सेलना ड्रीम सेलना पॉन्डर, सभी तो वहम है, आई एम प्रेइंग टू गॉड तो दिखा दे रास्ता, उठा दे नींद से हमें।